हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणगौर मेले में उमड़े वनवासी। वनवासी लोक संस्कृति को जीवंत करने वाला सियावा का दो दिवसीय गणगौर मेला कल रात से शुरू हुआ। मेला आज परवान पर रहा। कल सांझ गहराते ही पारंपरिक वेशभूषा में युवक युवतियों का मेला में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रात गहराने के साथ ही मेले में वनवासियों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता चला गया। रात भर मेले में युवा वनवासियों ने लुफ्त उठाया। आज पूरे दिन चलने वाले मेले में खाकी की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। वहीं मेला प्रबंधन कमेटी की ओर से व्यवस्थाएं की गई। मेले में वनवासियों ने गणगौर की पूजा अर्चना की। मिलन सजी धजी युवतियों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं युवतियों ने अपने हाथों पर नाम गुदवाए। मेले में हजारों की तादाद में वनवासियों ने शिरकत की। मेले के चलते अम्बाजी मार्ग पर यातायात डाइवर्ट किया गया। बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। कोरोना के चलते दो वर्ष बाद आयोजित मेले में वनवासियों ने जमकर मेले का आनंद लिया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए लीला राम गरासिया प्रधान आगुरोड इन्होंने ये कहा। देखो, हर साल हमारा जो सियावा गणगौर का जो मेला लगता है ये पुणे के शोर के दिन रात को होता है और पांचवें दिन में होता है, विसर्जन होता है। पूरी रात आज गणगौर का जो मेला हुआ, गुजरात और राजस्थान से सारे हमारे समाज के लोग हैं, सारे लोग यहाँ मेले में आते हैं और गणगौर है वो गणगौर का भी वो विसर्जन आज शाम को होगा। और इसमें पूरा प्रशासन का हम लोगों ने जो नियोजन करा था उसके आधार पर प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और हमारे समाज के जो मेले की जो कमेटी है उसकी तरफ भी पूरी व्यवस्था है कि मेला में जो व्यवस्था है ये बनी रहे। लोग जो आ रहे आदिवासी अंचल से, किसी समस्या को लेकर कोई ऐसी कोई दुविधा सामने आई? हर साल हमारा मेला होता है, यहाँ कोई समस्या के लिए नहीं आते हैं। एक मेले के हिसाब से आ रहे हैं और जिनकी जो गणगौर के प्रति जो भावना है, श्रद्धा है, उसके गणगौर के श्रद्धा के हिसाब से यहाँ मेले में उपस्थित होते हैं। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।